बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हम मैथमेटिक्स कैलकुलस के अंदर एल हॉपिटल रूल के बारे में पढ़ रहे थे। एल हॉपिटल रूल ये दो पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताया गया कि इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी थ्योरी, इसकी स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दी गई। काफ़ी लेंथी वीडियो बनाई थी, लेकिन इसके लिए मकसद यही था कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, और साथ ही इसके एक दो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे। देखिए, एक अहम बात यह है कि आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तीनों टॉपिक जो है थ्योरी भी है इनके अंदर, इनके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, इनके अंदर मैथमेटिक्स भी है और इनके अंदर थ्योरी भी है। तो असल बात ये होती है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ लें या फिजिक्स पढ़ लें या आप मैथमेटिक्स पढ़ लें, इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ते हुए असल ये है कि आप किसी थ्योरी को समझकर उस थ्योरी को सामने रखते हुए आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ लें, तो अब जो मैथमेटिक्स जो हमने अभी एल हॉपिटल रूल को कंप्लीट किया, तो एल हॉपिटल रूल के अंदर आपको ये बात, इसकी जो स्टेटमेंट है, ये सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन ये समझाने के बाद असल बात जो हमने यहाँ पर रखी थी वो ये कि आपने इस थ्योरी को पहले समझा, इस थ्योरी को सामने रखते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और बता रहे थे बार बार ये क्वेश्चन के अंदर बता रहे थे कि देखिए इन्होंने ये कहा तो अब ये हो रहा है। तो इस तरीके से असल बात तो यही है कि आप जो है थ्योरी को रखें और इसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि रट्टे लगाकर सॉल्व करना या फिर एक जो है अपने जहन में ट्रिक बना लेना कि इसके ज़रिए से ये होगा तो बहरहाल वो तो एक फजूल चीज़ है। असल तो ये है कि आप थ्योरी को पहले समझें। चाहे वह फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिशियन भी क्या करते हैं कि पहले उस थ्योरी को अगर रखा हुआ है तो उस थ्योरी के सामने रखते हुए इसकी जो है मैथमेटिक्स आपके सामने एक्सप्रेस करके दिखाते हैं, वो तो एक तरीके से आपके सामने प्रूफ होता है, ठीक है। बाकी उन्होंने एग्जिस्ट तो पहले ही कर चुके होते हैं। तो बहरहाल हमने भी इसी तरह जो है असल जो बात है वही की कि आपने पहले थ्योरी को समझा, थ्योरी को आपने समझने के बाद इसको सॉल्व किया। तो बहरहाल ये तो टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, एल हॉपिटल रूल हमने अच्छी तरह ख़त्म कर दिया। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमने कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं जो थ्योरम से रिलेट करते हैं। बाकी इससे पहले भी हम काफ़ी जो है अच्छी तरह कर चुके हैं। एक तो था हमारा लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम क्या करता है ये भी अच्छी तरह आपको बताया था। ये हमारा पहला थ्योरम और पहला रूल था, ठीक है। लेबनीज थ्योरम के बारे में हमने बिल्कुल टोटल डिस्क्राइब किया और अच्छी तरीके से उसको प्रूफ भी किया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम को भी बताया गया, ग्राफिकली भी इसको बताया गया, मैथमेटिक्स के हिसाब से भी इसको सब कुछ बता दिया गया था। इसके बाद हमने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको मालूम होगा, हमने अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब किया था और अच्छी तरह बता दिया गया। टेलर थ्योरम, तो टेलर थ्योरम को भी यहाँ पर जो है प्रूफ किया गया, इसके बारे में सब कुछ बताया गया। इसके क्वेश्चंस हर थ्योरम को करा कर इसकी जो है आपकी थ्योरी सामने रखते हुए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए गए। इस तरीके से हमने लास्ट रूल या लास्ट थ्योरम पढ़ा, एल हॉपिटल रूल। ये सारे के सारे जनरल थ्योरम्स में आते हैं, ठीक है। तो इनको सामने रखते हुए आपके सामने सारी बातें आ गई, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब जो आज का जो टॉपिक है, जिसका टॉपिक को देखकर आप यहाँ पर अपने वीडियो क्लिक किया, ये टॉपिक आपको मालूम है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल अब हम इसकी देखते हैं, इसकी अहमियत को देखते हैं, इसकी बाहर की जो एग्जिस्ट में फिजिकली जो एग्जांपल इसकी पाई जाती है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने टॉपिक का नाम लिखता हूँ इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद हम इसको देखते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि जो मकसद है इंटीग्रेशन को समझना है। इसके बाकी जो रूल्स हैं, इसके जो सवालात हैं, वही बात है कि सवालात का करना इंतहाई आसान है, लेकिन थ्योरी समझ में आ जाए, फिर थ्योरी के मुताबिक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो बहरहाल हम इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है हमारा वो लिख देते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन है। इसकी तो अहमियत को सभी जानते हैं कि ये क्या है टॉपिक, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जिस्ट के अंदर किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, फिजिक्स के अंदर हम इसको किस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, इंटीग्रेशन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। और देखिएगा, अब आपके जहन में आपने जब भी जहां पर भी क्लिक करेंगे, जहां पर भी आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो है उसका एंटी डेरिवेटिव आप निकाल दो तो ये होता है आपके पास इंटीग्रेशन। हर जगह पर आपको तकरीबन यही मिलेगा कि एंटी डेरिवेटिव वो है इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन टोटली ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है। सही बात ये है कि एंटी डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है, एंटी डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, याद रखी गई है। इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। तो इंटीग्रेशन जो है आपके पास एग्जिस्ट के अंदर इस तरह आप समझेंगे कि देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इंटीग्रेशन की जो मीनिंग है, पहले आप ये देख लीजिए, इंटीग्रेशन के मीनिंग होते हैं इंजिमाम, ठीक है, उर्दू के अंदर ये होते हैं, अगर आप इसको जो है सही देखें आसान वर्ड तो जोड़ना, ठीक है। अब देखिए, ये तो एक बात आ गई कि इसका मतलब होता है जोड़ना। अब मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल दूं, अगर आपके पास जो है ब्लॉक्स रखे हुए हों, ठीक है, अब अगर ब्लॉक्स को अलग अलग किए हुए फिर इसके बाद आप उसको जोड़ दें, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स रखे हुए, कोई कहाँ रखा हुआ है, कोई कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप उन सारे ब्लॉक्स को एक जगह पर जोड़ दें, ठीक है ना, इसका नाम है इंटीग्रेशन। मतलब जोड़ दिया, मिला दिया सबको आपस में, इंजिमाम। इंजिमाम का मतलब होता है मिल जाना आपस में। मीनिंग तो आपके जहन में आई गई होगी कि किस तरीके से इसकी मीनिंग होती है, कि सारे ब्लॉक्स आपके पास अलग अलग रखे हुए, उनको आपने जोड़ दिया, इसका मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हम सारी क्लास में इकट्ठे हो गए, जमा हो गए,
टुगेदर कहते हैं ना, टुगेदर के जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी इंटीग्रेशन का लफ्ज़ यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो बहरहाल अब देखते हैं डेरीवेट का क्या मतलब होता है, क्योंकि देखिए ये जो कहा जाता है कि डेरीवेट और इसमें काफ़ी ज़्यादा ही रिलेशन है, तो इनका रिलेशन किस तरह का ये मैं आपको एक बात बताऊँगा, तो आप ग्राफिकली बताऊँगा इसको, आप देखिएगा लास्ट तक। तो देखिए इंटीग्रेशन का जो, अब डेरीवेट देख लें, डेरीवेट के अंदर मैं आपको बताऊँ ये कि अलग कर देना, तकसीम कर देना, ठीक है ना, जुदा जुदा कर देना, ये बात भी बिल्कुल सही होगी, इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये बात सही है। अब देखिए ये आपके पास मैंने क्या लिख दिया कि इंटीग्रेशन आपका मतलब है मिलाना जोड़ना। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पजल देता हूँ, तो पजल एक जगह पर अलग अलग किए हुए, उन पजल को अगर आप मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन। पजल को आप अलग अलग कर देते हैं, इसका मतलब क्या आपके पास डेरीवेट। ठीक है, तो बहरहाल ये है मैं जो इंटीग्रेशन का मतलब बताना चाह रहा था। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपके सामने अगर एग्जांपल रखने से पहले कुछ ये बता दूँ कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन किस तरह का रिलेशन है, तो देखिएगा आपके सामने मैं ग्राफिकली बताता हूँ कि आपके सामने एक ग्राफ ये आ गया, ठीक है, दूसरा ग्राफ आपके सामने क्या आ गया, ये ग्राफ आ गया। यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लेता हूँ, ये दो स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन के लिए दो पॉइंट्स लेने होंगे, इसकी वजह आपको बता दी जाएगी। एक को ए से डिनोट कर दिया, दूसरे को बी से डिनोट कर दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डेरिवेट के लिए भी एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक के लिए इसके बाद बता देता हूँ मैं आपको। अब देख लीजिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ डेरिवेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन से क्या फ़ायदा होगा, अगर इस पर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या फ़ायदा होगा, और इस पर डेरिवेट करने से क्या फ़ायदा होगा, देख लीजिए यहाँ पर एक कर्व भी शो कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेरिवेट का कहना यह होगा, जहाँ पर आप डेरिवेट की बात करते हैं, तो डेरिवेट का मतलब ये होता है कि उस जो भी आपको पॉइंट दिया गया है, जो भी खास पॉइंट आपको यहाँ पर क्या है ए दे दिया गया, तो उस पॉइंट पर आप स्लोप को फाइंड करें, इसका मतलब होता है डेरिवेट। ठीक है, जिस पॉइंट पर जो भी आपको पॉइंट दे दिएगा, मैंने आपको ए दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है ना, ए डिनोट किया हुआ है, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पर स्लोप को फाइंड करना ये डेरिवेट कहलाता है, आसान सी बात है। ठीक है, जबकि इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेट के मीनिंग के मुताबिक आपको ये बात समझ में आएगी कि इंटीग्रेट का मतलब ये है कि आपको जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट्स को, कर्व तो हमने सामने रखना ही है ना, जो कर्व आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेकर आपके पास ये इतना सारा आपके पास कर्व है ये। ठीक है ना, ये अब इस कर्व जो कि ए और बी के दरमियान में है, उस कर्व के टोटल एरिया को आपने फाइंड करने का नाम इंटीग्रेशन है। ठीक है, बात समझ में आई, इसको फिजिकली एग्जाम्पल के जरिए से आपको इस तरह समझ में आएगा कि देखिए अगर मैं, आपने देखा होगा कभी कि सीडी होती है ना, सीडी इस तरह से होती है, आपके पास जो सीडी रोम के अंदर आप सीडी को पुट करते हैं, तो जो सीडी होती है यहाँ पर इस उसके जो बीच में जो हॉल होता है ना, हॉल, आप उसके ज़रिए से इंटीग्रेशन करके टोटल का फाइंड कर सकते हैं। खाली इतने हॉल के ज़रिए से आप पूरे एरिया, यानी पूरी जो आपके पास सीडी है उसको आप क्या कर सकते हैं, टोटल एरिया उसका फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, कि देखिएगा आप ये पहले आप इसकी जो है इंटीग्रेट करें, पहले आप इस पॉइंट को फाइंड करें, उसका जो डायमीटर है, उसका जो सर्कमफेरेंस है उसका फाइंड करें। ये फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा सर्कमफेरेंस डायमीटर वगैरह, तो बहरहाल ये इसके अंदर आप क्या करें, उसका डायमीटर सर्कमफेरेंस वगैरह को मालूम करें, उसके एरिया को आप फाइंड करें, क्योंकि छोटी सी जगह को तो फाइंड करना आसान है ना, तो छोटी सी जगह के आप उसके जो है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आप फाइंड कर लें। अब उसकी मदद से जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे ना, जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या होता रहेगा, देखिए आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे ही होल्स जमा होंगे, ऐसे ही होल जमा होते होते आपके पास क्या आएगा, आखिरी नतीजा क्या आ जाएगा, आपके पास सीडी आ जाएगी। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन का काम है, ये आपका काम नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पुटिंग करनी है और आपने उसके फॉर्मूले को अपने सामने रखना है कि वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो इंटीग्रेशन तो काफ़ी टाइप्स की होती है, तो अभी हम इसके सारे इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको मैं आज बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक इंटीग्रेशन का टॉपिक उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए आप इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीडी रोम आपने लिया, सीडी रोम का जो बीच का जो हॉल था, हॉल को आपने देख लिया उसका एरिया कितना है, उसके एरिया को रखते हुए इंटीग्रेट किया उसके एरिया को, उसके सर्कमफेरेंस जो भी आपने चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास सीडी का टोटल एरिया आ जाएगा। तो क्या हुआ इससे, ये फिजिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम इसको पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही इसको पढ़ते हैं, तो बहरहाल इसके काफ़ी ज़्यादा ही यूजेस भी काफ़ी ज़्यादा है। जब आप इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन के यूजेस के बारे में आपके सामने एक ही बात आएगी, ये कि इसका जो इस्तेमाल है वो आमतौर पर एरिया के अंदर, इसका वॉल्यूम्स के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है कि आप किस तरीके से, क्योंकि देखिए अगर आपको जो है टोटल, आप कोई भी सिलेंडर है उसके आपने वाटर के मालूम करना, उसके अंदर वाटर जो है लिक्विड है, लिक्विड या उसमें फिलिंग हुई भी उसकी वाटर की, तो आपने किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो आप क्या करें सिलेंडर का छोटा सा कोई पार्ट ले लें, छोटा सा कोई इसका पार्ट ले लें, उसको अच्छी तरीके से उसका एरिया फाइंड कर लें, तो टोटल आपको एरिया और टोटल वॉल्यूम भी आपको पता लग जाएगा कि उस छोटे पार्ट के अंदर जितना वॉल्यूम होगा इंटीग्रेट करने के बाद टोटल सिलेंडर का भी आपको वॉल्यूम पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो इंटीग्रेशन की मीनिंग अगर आपको समझ में आए, देखिएगा इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है हमारा उसके मीनिंग जो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है इंजिमाम या जोड़ना। ठीक है, इसके जो ग्राफ आपके सामने आ गए कि आपने ये देखते हैं,
तो देखिए ये तो सारी बातें अपनी जगह पर हैं, कई टॉपिक हमें इस तरीके से मतलब क्लियर हो गया ये बात कि ये इंजिमाम और जोड़ना इसका मतलब है इंटीग्रेशन का, और जोड़ना किस तरीके से होता है ये आपके सामने है, और इसकी फिजिकल एग्जांपल ये जो फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है वो भी आपके सामने आ गई, बहुत सारी एग्जाम्पल आपके सामने अलग से भी आ गई। तो बहरहाल अब हम इसको पढ़ना भी तो है, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल ये दूंगा कि आप जो ये पढ़ते हैं कि एंटी डेरिवेटिव का नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव का नाम आपके पास आता है कि इंटीग्रेशन है, हालांकि आपको बताया कि एंटी डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है उसका नाम इंटीग्रेशन है, डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव का नाम इंटीग्रेशन नहीं है। तो बहरहाल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, प्रूफ करने से मुराद ये है कि मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये वाकई मैंने जो आपको बताया कि एंटी डेरिवेटिव का नाम इंटीग्रेशन नहीं, आप देख लेंगे कहीं पर भी आप सर्च कर लें आपको मिल जाएगा बुक्स के अंदर, आमतौर पर अगर आप देखें किसी भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन है उसको आप मिल जाएगा। तो बहरहाल देखिए उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब जोड़ना और डेरिवेट का मतलब तोड़ना कैसे है, किसने कहा ये, क्योंकि डेरिवेट का मतलब तो हम देखते हैं निकालना होता है, तो निकालना तोड़ने की बात है। बहरहाल देख लीजिए आप, इसको मैं बता देता हूँ कि आप अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, आप इसको ले लीजिए एक्स स्क्वायर ले लें, ठीक है नॉर्मल है ना, आसान सा है जिसको हम पढ़ते भी रहते हैं। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि इसको आप तोड़िए यानी इसको आप डेरिवेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, डी जो पॉइंट है आपका उसको उसी की रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, जो पॉइंट आपके पास क्या एक्स है ना, तो x को x की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेट करेंगे तभी डेरिवेट होगा, वरना तकसीम नहीं होगा, ठीक है। तो बहरहाल आपने क्या कर दिया, d का जो जो भी पॉइंट आपको दिया गया था उसको उसी की रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेट कर दिया, ठीक है, वहाँ पर टू टाइम्स है यहाँ पर तो वन टाइम्स है, तो जब डेरिवेट करेंगे तो आपको पता है इसका डेरिवेट क्या आएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। किस तरह करते हैं, हम आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो इसकी पावर है उसको कोफिशिएंट बना देते हैं, जो भी पावर हो, यहाँ पर क्या थी पावर आपके पास 2 थी, उस पावर को कोफिशिएंट में ले आते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट आपने यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, और उस पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो आपको बताया गया था ये कि 2x1 होना चाहिए था, 1 का तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो बहरहाल ये है इसका डेरिवेट आ गया। अब देखिए ये जो डेरिवेट आपके पास आया, अब हम इसको ले लें, ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताना चाह रहा हूँ कि इसको जब आपने dx जब डेरिवेट करते हैं तो dx नीचे आता है, याद रखिएगा हमेशा। तो dx जब अपॉन में आ रहा है तो उससे आप समझ लीजिए कि वाकई तकसीम हो रही है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को अपॉन में लिखते हैं तो तकसीम कर रहे होते हैं ना, उसको आप जुदा जुदा कर रहे होते हैं, अलहदा अलहदा कर रहे होते हैं, मुतफरिक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने dx को जब अपॉन में लिखा है तो उसके मीनिंग आपने तो आपने इसको डेरीवेट किया और तकसीम किया उसको, ठीक है। तकसीम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आ गया कि अपॉन में तो वैसे ही हम डेरीवेट करते हैं, जो डिवाइड के करते हैं ना, तो लेकिन देखिए यहाँ पर अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसी पॉइंट को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, कोई और अलग पॉइंट नहीं ले रहा, 2x आपके पास आ गया, ठीक है, इसी को मैं डेरिवेट कर रहा हूँ, अब इसी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। जब भी आप किसी भी नंबर को अपॉन में लिखते हैं, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ 2/5, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे ना, डिवाइड ही कर रहे हैं, क्या हो गया, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये किससे पता लगा आपको, इस अपॉन के साइन से पता लगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर अपॉन का साइन लगा रहा हूँ तो फिर ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है कि इसका मतलब डेरिवेट का मतलब तकसीम करना नहीं है। तो इसका मतलब तकसीम करना ये ना कि आपको अपॉन के साइन से पता लग रहा है कि वाकई ये तकसीम हो रही है। और देख लीजिए आप ये कि आपकी जो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर जो था वो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स खत्म हो गया, अलग अलग हुआ है ना, 2x बता दिए। देखिए यहाँ से आप अपने जहन को देखिए कि आपके पास इन्होंने कह दिया कि एक्स स्क्वायर थे ना, आपके पास 2x थे, तो आपके पास क्या हो गया, अलग अलग हो गए, जुदा जुदा हो गए, ठीक है। आपने क्या किया, जब आपने एक्स स्क्वायर को डेरीवेट करना था तो आपने क्या लिया, डी एक्स की रिस्पेक्ट से उसको डेरीवेट किया, ठीक है। तो उसका मतलब हमने क्या कहा, तकसीम है, क्योंकि जब भी आप अपॉन का साइन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसको तकसीम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने आ गया 2/5, अब जब आप लिखते हैं तो अपॉन के साइन से पता लगता है कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आप जब आप इसको इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेशन के मीनिंग हमने क्या कहा था, जोड़ना। तो जोड़ने से हमें यहाँ पर कैसे बात समझ में आएगी कि देखिए यहाँ पर जो हम जिसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं वहाँ पर भी एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे थे, यहाँ पर भी एक्स की रिस्पेक्ट से उसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए वहाँ पर डी एक्स आपने कहाँ लिखा था, अपॉन में लिखा था, जिससे हमें ये पता लगा कि तकसीम हो रही है। जबकि यहाँ पर हमने यहाँ पर कहाँ लिखा, ये चीज़ ऐसी है कि आपको यकीनन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप उसको अपॉन के साइड में रख रहे हैं तो उससे पता लग रहा है कि यहाँ पर डेरिवेट और तकसीम हो रही है, जबकि आप इसको डी एक्स को इंटीग्रेट के अंदर क्या रख रहे हैं, मल्टीप्लाई में रख रहे हैं, तो वाकई इसका मतलब जोड़ना ही है ना। देखिएगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 × 5, तो जब 2 × 5 तो जुड़ ही रहा है ना, तो तकसीम तो नहीं हो रही ना, बल्कि बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है, कसरत हो रही है इसके अंदर, तो 2 × 5 = 10 आ गया आपके पास। तो बहरहाल देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो बात बिल्कुल सही है, इसके अंदर तो कोई शक नहीं कि आपका इक्वेशन है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेट है, तो बिल्कुल मसला नहीं, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दो बातें आपको बताते हैं, फिर इसके बाद आप इसको टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देखिएगा 2x dx आपके सामने लिखा हुआ है, तो जब आप इसको डेरिवेट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो बात सही है, क्योंकि किस तरह आएगा वो आपके पास एक्स स्क्वायर, कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो जो भी आपके पास पावर है, इसको 2 को तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दे, छोड़ दे उसको,
एक्स को आप करेंगे ठीक है ना, एक्स को डी एक्स की रिस्पेक्ट से जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्मूला है वो ये है कि जब आप किसी भी फंक्शन पर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसका डेरिवेट उसके बराबर में ही मौजूद है तो आपने करना ये होगा कि उस फंक्शन को लें, उसकी जो भी पावर है उसको आप लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पावर क्या थी, वन, यहाँ पर शो नहीं की थी, वन तो शो नहीं करते, तो उसका जो डेरिवेट था उसके बराबर में ही मौजूद था, तो आप उसकी जगह पर क्या लिखते हैं, वन प्लस वन, उस डेरिवेट को हटा देते हैं, उसकी जगह पर वन प्लस वन लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने जो टू तो बाहर निकाल दिया था ठीक है, अब ये टू कहाँ से खत्म हो गया, आपके जहन में सवाल आएगा कि जब हम उसको सॉल्व कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर आ रहा था, जबकि हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे तो आपके पास टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये टू कहाँ से आ, तो देख लीजिए आपके जहन में ये सवाल खत्म हो जाएगा कि x 1 प्लस 1 जो भी पावर ऊपर आती है उसी को आप नीचे अपॉन में लिखते हैं, उस नंबर के तौर पर आप उसको लिखते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर अपॉन 2, जबकि बाहर आपके पास 2 मौजूद था, 2 2 कैंसिल होकर x स्क्वायर आ गया ठीक है, ये तो बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर एक और मजीद मैं बात बताऊँ फिर इसके बाद हम इसको टॉपिक खत्म करते हैं। तो देखिएगा एक बात, जो अहम बात यह है कि आप जब इसको सॉल्व करते हैं ठीक है ना, तो इसके साथ साथ आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर पर ख़त्म नहीं होता बल्कि प्लस सी भी आता है, सी मीन्स कांस्टेंट आता है, तो ये कैसे आता है और ये क्यों आता है, तो इसका मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ फिर इसके बाद हम इसको जो है समराइज करके ख़त्म कर देते हैं। कि एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, बिल्कुल इसी इसी एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने और उसके बाद हम देखते हैं कि वाकई जो है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सी आता क्यों है। देख लीजिए अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या करता हूँ, डेरीवेट लेता हूँ, तो डेरीवेट लेकर आपको पता है क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, आएगा ना टू एक्स। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू का डेरिवेट लेता हूँ, याद रखिएगा आपको कल भी बताया गया था और आपको यकीनन मालूम भी होगा कि जब हम डेरिवेट लेते हैं, डेरिवेट ले लिया आपने किसी भी रिस्पेक्ट से कांस्टेंट का, किसका, कांस्टेंट का जब आप डेरिवेट लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, जीरो आता है ठीक है। यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट क्या है, टू है, तो जब इसको डेरिवेट लेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो एक्स स्क्वायर का तो टू एक्स ही आ जाएगा, छोड़ दें उसको, प्लस जीरो या ना करें या करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलो ठीक है हमने यहाँ पर रख दिया आपको समझाने के लिए। फिर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 13 लिख दिया मैंने ठीक है, अब इसको डेरीवेट कीजिए तब भी आप यही कहेंगे कि 2x 13 एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये आपके पास आ गया जीरो ठीक है। तो मतलब हमें ये पता ही नहीं लग रहा कि आप जब 2 रख रहे हैं तब भी आपके पास आंसर जीरो में आ रहा है, मतलब एक्स टू एक्स प्लस जीरो, टू एक्स प्लस जीरो, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस जीरो की जगह पर डेरीवेट होने से पहले क्या था, क्योंकि देखिए जब आप डेरीवेट कर देते हैं तो तकसीम कर देते हैं, फिर जब आप उसी नंबर को इंटीग्रेट करते हैं, इसी नंबर को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो फंक्शन तो आ जाता है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं आता और हमें पता भी नहीं लग सकता, तो इसलिए हम लिखते क्या हैं, सी लिखते हैं। देखिएगा अब इसको मैं आपके सामने इंटीग्रेट करता हूँ 2x को, आपको पता है कि 2x आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ठीक है, सही है, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या रखते हैं, 2x को दोबारा से इंटीग्रेट करें तब भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर दोबारा करें क्योंकि 2x 2x तो है, 0 को तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं आप, तो 2x को दोबारा से जब आप इंटीग्रेट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी 2x स्क्वायर अपॉन 2 फिर 2 2 कैंसिल करके एक्स स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, जो अभी अभी आपके सामने बता दिएगा। अब हम यहाँ पर सी सब में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, हो सकता है यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट तो होता ही है नॉर्मली, जैसे यहाँ पर नहीं है तब भी हम कह देंगे जीरो तो है ना भाई, जैसे आपने यहाँ पर जीरो यहाँ पर लिखा हुआ तो इस तरह ऊपर भी जीरो तो है ना, जीरो कोई ना कोई नंबर तो भाई है तो सही ना, जीरो भी तो है नंबर ट्रीट होता है ना यहाँ पर, तो सी लिख देंगे आप यहाँ पर। दूसरे में भी आप सी लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर नंबर है लेकिन पता नहीं कौन सा नंबर है, तो उस नंबर को शो करने के लिए सी लिख दिया, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता और ना आप पता कर सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि जिसके जरिए से आप सी को मालूम कर लें कि सी है क्या एग्जैक्ट नंबर, तो एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने से कोई फायदा भी नहीं है, असल तो ये होता है कि जो फंक्शन है वो आपके पास आ जाए कि वाकई आपने जो यहाँ पर डेरीवेट किया उसको जब इंटीग्रेट किया आपने तो रिवर्स प्रोसेस हो गया, नहीं ये देख लो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके सामने, ये आपके पास है रिवर्स प्रोसेस, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि 2x को जब इंटीग्रेट किया तो रिवर्स प्रोसेस आया, दोबारा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर, 2 का हमें पता नहीं तो इसलिए हमने लिख दिया प्लस सी, इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो आ रहा था लेकिन यहाँ पर 13 नहीं पता था तो इसलिए हमने क्या लिख दिया सी, तो यहाँ पर भी आपकी बातें खत्म हो गई होंगी कि भाई देखिए कि कॉन्स्टेंट की जगह पर कॉन्स्टेंट लिखते क्यों और किस वजह से लिखते हैं, तो ये आपके सामने सवाल खत्म हो गया। तो बहरहाल देखिए इस वीडियो के अंदर असल तो था इंट्रोडक्शन के बारे में, तो पढ़ाना तो जो है इंटीग्रेशन की कुछ टाइप्स भी पढ़ानी थी लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी लेंदी हो गया क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते जहन में बात आती रहती है कि इंसान जो है ना ये भी बता दे ये भी शेयर कर दे, तो बहरहाल इंटीग्रेशन का हमने टॉपिक लिया था, इंटीग्रेशन की मीनिंग बताया, उसके ग्राफिकली इसको सॉल्व करके बताया, काफ़ी एग्जिस्ट के अंदर जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो भी करके बता दी, और अगर और साथ साथ आपके सामने रख दिया कि किस तरीके से हम उसको जो है लास्ट पेज के अंदर बताया कि आपने किस तरीके से उसको डेरिवेट करते हैं, डेरिवेट और इंटीग्रेट आपस में रिवर्स कैसे हैं, इनका रिलेशन क्या है, ये सारी बातें आपके सामने आ गई, और लास्ट जो बात थी कि कांस्टेंट हम लिखते हैं, तो अगर आप ये टॉपिक देख लेंगे ना अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह अगर आप उसको देख लेते हैं, उसको अपने जहन में रख लेते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए जो होंगे वो आसान होंगे, क्योंकि याद रखिएगा इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे उसमें भी होता है, आपने मालूम भी होगा आपको और थोड़ा सा आपको बताया भी गया यहाँ पर,
और नेक्स्ट आप जो है इसके जो क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई, काफ़ी इक्वेशन जो आती हैं आपके सामने, आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन, सेपरेबल इक्वेशन, अगर आप बीएससी वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास जो एग्जाम्पल आती हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें, और साथ ही साथ ये कि इसके जो फॉर्मुलेज जो आते हैं इसके जो, क्योंकि यहाँ पर जो सारे यूज़ नहीं होते इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सारे के सारे यूज़ नहीं होते, याद रखिएगा, कुछ यूज़ होते हैं तो यहाँ पर वही पढ़ाए जाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाए जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो मुश्किल चीज़ होगी उसी को लिया जाएगा, क्योंकि आसान चीज़ तो हर कोई पढ़ लेता है, मुश्किल चीज़ को लिया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा। और इंशाल्लाह हो सकता है, उम्मीद है कि हम, और केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें तो इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ जहन में आया कि इनऑर्गेनिक को भी स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर हम कैलकुलस पढ़ लें तो साथ साथ हम एलजेब्रा, मैट्रिसेस वगैरह को भी स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे पास चार टॉपिक्स आ जाएंगे। तो एक एक वीक करके हम उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, जिस तरह अभी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर एक वीक यूज़ किया जाता है, इस तरीके से कैलकुलस पर एक वीक। तो इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कैलकुलस के साथ साथ अलजेब्रा पर भी, यानी मैट्रिसेस वगैरह पर, और साथ ही आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस पर भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी, और इंशाल्लाह थोड़े ही टाइम बाद फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बहरहाल आप इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है चैनल, तो आप इनको सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।